हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्नवे चैनल पर, जिसमें आज हम साइंस के 500 स्पेशल सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फिजिक्स के हम 20 क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेंगे, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन क्वेश्चंस की PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उसकी टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है। PDF के लिए आप लोगों को लर्नवे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर लर्नवे ऑफिशियल ऐप को सर्च करोगे तो आपके सामने लर्नवे ऑफिशियल का ऐप आ जाएगा। वहां से आप लोग उसे इंस्टॉल कीजिएगा और वहां पर आप लोगों को साइंस सेक्शन में PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज दी, यानी कि सभी टेस्ट इंस्ट्रूमेंट में इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कॉमन रहती है या बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर ए है मल्टीमीटर, बी है ओम मीटर, सी है कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, एंड डी है गैल्वेनोमीटर। तो लाइव चैट में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है। मोस्टली जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है सभी टेस्ट इंस्ट्रूमेंट में, वह होता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप लोगों का वोल्ट मीटर में भी यूज किया जाता है, अमीटर में भी यूज किया जाता है, और मल्टीमीटर में भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो मोस्ट बेसिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा वह क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर टू, द एनर्जी गैप ऑफ अ डायमंड इज, यानी जो एनर्जी गैप होता है डायमंड का वह क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड डी है 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट है। एनर्जी गैप बोलिए या बैंड गैप बोलिए डायमंड का, दोनों बात एक ही है। एनर्जी गैप या बैंड गैप डायमंड का कितना होता है, 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डायमंड आप लोगों का क्या होता है, इंसुलेटर होता है रूम टेम्परेचर पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल हो जाए तो इनमें से कौन सी चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है इट्स लेंथ शुड बी डबल्ड, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वह डबल्ड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है इट्स लेंथ शुड बी क्वाड्रपल्ड, यानी कि चार गुनी हो जाएगी। सी है द मास ऑफ इट्स बॉब शुड बी डबल, यानी कि जो मास होगा बॉब का वह डबल हो जाएगा, या फिर मास ऑफ बॉब चार गुना हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों को सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, यानी ऑक्सीलेशन से कोई भी दिक्कत है, वो लोग लर्नवे चैनल पर ही ऑक्सीलेशन के 3 पार्ट्स कराए गए हैं, उनको जाकर देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी द लेंथ शुड बी क्वाड्रपल्ड, यानी कि जो लेंथ होगी वह चार गुनी होनी चाहिए, तभी जाकर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का दुगना होगा, उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है टी इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एल ओवर जी होता है, यानी कि ये मास पर डिपेंड ही नहीं करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो गलत हो गए। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। अब टाइम पीरियड डबल हो रहा है, यानी कि 2 times ऑफ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। अंडर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 times ऑफ एल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द जनरल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ द बिलो थर्मामीटर्स आर यूज, यानी कि जो जनरल टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए किस थर्मामीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मर्कुरी थर्मामीटर, बी है वेपर प्रेशर थर्मामीटर, सी है रेजिस्टेंस थर्मामीटर, एंड डी है रेडिएशन थर्मामीटर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मर्कुरी थर्मामीटर, उन सभी का आंसर राइट है। मर्कुरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है जनरल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एज अ पर्सन मूव्स क्लोजर टू द प्लेन मिरर द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, यानी कि अगर कोई पर्सन प्लेन मिरर के नजदीक आता जा रहा है तो उसके इमेज के साइज में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज हो जाएगी, बी है डिक्रीज हो जाएगी, सी है फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, एंड डी है द रिमेन्स सेम, यानी कि पहले बढ़ेगी या घटेगी, एंड डी है सेम रहेगी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
जो लोग बाद में देखें उन्हें कमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो लोग वीडियो को पॉज कर अपना आंसर चेक कर सकते हैं उनका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस चुना है उन सभी का आंसर राइट है। अगर पर्सन प्लेन मिरर के नजदीक जाता जाएगा तो उसका इमेज का साइज इंक्रीज होता जाएगा और मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या होती है, प्लेन मिरर की मिनिमम लेंथ होती है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई का आधे साइज का अगर प्लेन मिरर है तो वह पूरा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को अपनी कक्षा में रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, बी है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, सी है रोटेशनल अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। अर्थ की जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है उसके द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल प्रदान किया जाता है मून को, जिससे कि वह अर्थ की ऑर्बिट में मूव करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट मेक्स द हेयर्स ऑफ अ शेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर, यानी कि जो शेविंग ब्रश होती है उसके जो बाल होते हैं वो एक साथ चिपक क्यों जाते हैं जब उसे हम पानी में से बाहर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है विस्कोसिटी यानी संयानता, बी है सरफेस टेंशन यानी सतह तनाव, सी है कोहेजन एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी सरफेस टेंशन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर की फ्री सरफेस होती है वह ट्राई करती है मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने की, तो इसकी वजह से जो बाल होते हैं शेविंग ब्रश के वो आपस में चिपक जाते हैं क्लिंग कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। द रेडिएशन विद द हाईएस्ट एनर्जी इज, यानी कि इन रेडिएशन में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी, उच्चतम ऊर्जा वाला विकिरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है यूवी रेज, बी है इंफ्रारेड रेज, सी है एक्स रेज एंड डी है विजिबल रेज। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी एक्स रेज आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। उच्चतम ऊर्जा उसी रेज की होगी जो जिस रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए लर्नवे चैनल पर ही 2 लेक्चर्स हैं, आप लोग उन्हें जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल बी डबल द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा एक्शन टाइम पीरियड को डबल कर देगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी मेक्स द पेंडुलम 4 टाइम्स लॉन्ग चुना है उन सभी का आंसर राइट है। अगर पेंडुलम की लेंथ को 4 गुना कर दिया जाएगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 गुना, क्योंकि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। सन स्पॉट्स आर, सन स्पॉट क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द माउंटेन्स फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, यानी कि सूरज की सतह पर पाए जाने वाले पहाड़, बी है द डार्क पैचेज हैविंग लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल सर्फेस, यानी कि सामान्य सतह की तुलना में कम तापमान वाले डार्क पैचेस उनको हम सन स्पॉट्स बोलते हैं, सी है आयोनाइज गैस फाउंड नियर द सोलर सर्फेस, यानी कि सोलर सर्फेस के पास आयोनाइज गैस को पाया जाना उस एरिया को हम सन स्पॉट्स बोलते हैं, एंड डी है द मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, यानी कि सूर्य की सतह पर चुंब के तूफान का पाया जाना उसे हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी द डार्क पैचेज हैविंग लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल सरफेस को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। सन स्पॉट्स वह डार्क पैचेज होते हैं जिनका टेम्परेचर लेस होता है नॉर्मल सरफेस के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। द फ्यूज वायर इज मेड ऑफ
यानी जो फ्यूज वायर है वह इनमें से किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी ए टंगस्टन, सी ए नाइक्रोम, एंड डी है लीड टिन एलॉय। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लीड एंड टिन एलॉय को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। तो लीड और टिन एलॉय से फ्यूज वायर को बनाया जाता है। तो फ्यूज वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वह वायर मेल्ट हो जाना चाहिए इजीली अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, एंड लो रेजिस्टिविटी यानी कि करंट को वह इजीली फ्लो करे, रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल करे। तो उस तरीके के वायर को हम फ्यूज वायर के लिए चुनते हैं। और नाइक्रोम का यूज़ किस में किया जाता है? नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन में, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कराता है आप लोगों को? हीट, क्योंकि नाइक्रोम रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को, तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और इस वजह से ये है इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट वाई, यानी कि जो एसी करंट है डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डायनामो, बी ए ट्रांसफार्मर, सी ए रेक्टिफायर, एंड डी है मोटर। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है और इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एनडीए में पूछा जा चुका है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ फोटोसेल, फोटोसेल द्वारा इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है? यानी कि फोटोसेल क्या होते हैं? आपके सोलर सेल ही होते हैं। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। सोलर सेल या फोटो सेल क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है वह किसके द्वारा मेजर की जाती है, यानी कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी है पॉलीग्राफ, एंड डी है सिस्मोग्राफ। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। सिस्मोग्राफ द्वारा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का मेजरमेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, अ मैग्नेट्रॉन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी जो मैग्नेट्रॉन होते हैं वह किसके प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्स रेज, बी ए कैथोड रेज, सी ए माइक्रोवेव्स, एंड डी है पॉजिटिव रेज। तो जो लोग माइक्रोवेव को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। माइक्रोवेव के प्रोडक्शन में मैग्नेट्रॉन का यूज किया जाता है। आप लोग इसे इजीली इस तरीके से याद रख सकते हैं, माइक्रोवेव का एम और मैग्नेट्रॉन का भी एम, ये दोनों एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, गामा रेस कैन बी डिटेक्टेड बाई पासिंग देम थ्रू, यानी कि गामा रेस को किस फील्ड में पास करना चाहिए उन्हें डिटेक्ट करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, बी है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, एंड सी है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड डी है इनिशियलेशन काउंटर यानी कि झिड़की काउंटर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। अगर हमें गामा रेज को डिटेक्ट करना है तो उसे हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के तो उसे हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क विदाउट हिटिंग एनीथिंग बिकॉज, यानी कि जो चमगादड़ होती है अंधेरे में भी उड़ सकती है बिना किसी चीज के टकराव के, क्योंकि वे उड़ने वाले स्तनधारी हैं, दे आर फ्लाइंग मैमल्स। बी है देयर नाइट विजन इज गुड, यानी कि उनकी रात की दृष्टि अच्छी होती है। सी दे आर गाइडेड बाई अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस बाई देम, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस की जाती है उनके द्वारा उनसे वे गाइडेंस लेती हैं। एंड डी है ऑफ नो स्पेसिफिक रीजन, यानी बिना किसी वैज्ञानिक कारण के।
तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दे आर गाइडेड बाई यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस बाई देम को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। कंट्रोल रोड्स यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर मेड अप ऑफ, यानी जो कंट्रोल रोड यूज की जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वह किसकी बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेनलेस स्टील, बी है ग्रेफाइट, सी कैडमियम अलॉय एंड डी है प्लूटोनियम। तो जो कंट्रोल रोड्स होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वह बनी होती हैं आपकी कैडमियम अलॉय की। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। अ सडन डिक्रीज इन द बैरोमेट्रिक प्रेशर इंडिकेट्स, यानी एक साथ बैरोमेट्रिक प्रेशर में गिरावट होना वह किस चीज को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टॉर्मी वेदर यानी तूफानी मौसम, बी है एक अच्छा मौसम यानी ए फाइन वेदर, सी है ए वेट वेदर एंड डी है ए ड्राई वेदर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और आप लोगों को अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा आप लोगों के 19 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अभी तक करेक्ट गए। तो अचानक बैरोमेट्रिक प्रेशर में गिरावट आना वह किस चीज को इंगित करता है, स्टॉर्मी वेदर यानी कि तूफान आने वाला है उस चीज को वह इंगित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। द लेंस यूज टू रेक्टिफाई लॉन्ग साइट इज, यानी कि जो लॉन्ग साइटनेस होती है उसको हटाने के लिए हम किस लेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, बी है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, सी है प्लेन कॉनकेव लेंस यानी कि समतल अवतल लेंस एंड डी है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस यानी कि समतल उत्तल लेंस। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और आप लोगों को ये 20 क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और आप लोगों का स्कोर क्या है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आप लोगों को आने वाली अगली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और PDF के लिए आप लोग लर्नवे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।